जेपी फाइनेंस पैंथर स्वैप जैसा है पैंथर स्वैप ने मेरे साथ चीटिंग की मैं स्टेकिंग किया तो तीस चालीस पैंथर स्वैप टोकन गायब हो गया और मतलब पैसा काटता है पैंथर स्वैप उसमें हिडन चार्जेस है ऐसा लगता है अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें ऐसा चल रहा है कि प्रोजेक्ट के टोकन लो स्टेकिंग करो पैसा कमाओ स्टेकिंग करो पैसा कमाओ यह फार्मूला लगभग हर एक प्रोजेक्ट में है सो so, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे तुमने लूना देखा नहीं लूना मिरर प्रोटोकॉल जो, वो सलोना सलोना मैंने काफ़ी पहले देखा था अच्छा प्रोजेक्ट है लेकिन तभी इथेरियम का भाव कम था और इथेरियम चलो मैंने लोन लेके काफ़ी अलग टोकन खरीदे उसमें मेरे को लाइक फोर्टी एक्स फिफ्टी एक्स गेन हो गया लूपरिंग मन्ना लोन लेके ख़रीदा था इथेरियम बोरो लेंड किया नहीं मतलब एस यू एस डी किया बोरो किया इथेरियम गिरवी रख के और एस यू एस डी से ख़रीदा था वो फॉर्मूला में काफ़ी सक्सेस मिला और काफ़ी भाव बड़ा, लूपरिंग यू ऐसे मतलब बहुत सारे टोकन लिए थे मैंने सलोना लिया नहीं क्योंकि मेरे को कैसा फिर बोरो कर इटेरियम गिरवी रख एस यू एस डी क्यों बारो करता था क्योंकि उसका चार्जेस का मतलब इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम था वन परसेंट था यू और इसमें ज़्यादा था तो फिर इसमें कैसा होता था एस यू एच डी ले एस यू डी बहुत सारे एक्सचेंजेस में यूज नहीं होता है फिर उसको यू एस डी टी में कन्वर्ट कर फिर ट्रांसफ़र कर वो बहुत मतलब आड़ा टेढ़ा काम हो जाता था इसलिए मैंने सलोना लिया नहीं सलोना में भी बहुत एयर ड्रॉप मिल रहे हैं सलोना लिया नहीं मतलब मैंने इथेरियम बेचा नहीं सौ धंधे है सौ धंधे में से सारे सौ धंधे तुम नहीं कर सकते इधर धंधा कर रहा है इधर पैसा मिल रहा है तो बाकी के धंधे छूट गए सिर्फ कंपैरिजन में कर सकते हैं अरे ये करता है तो इतना फ़ायदा होता है ये करता है तो इतना तो ऐसा कंपेयर करके थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट ओवरऑल कोई भी सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर नहीं सकता है सब प्रोजेक्ट सेम है टोकन लोस टेकिंग करो रिवॉर्ड लो और इस पे ही पैसे कमाए जा रहे हैं मैंने केक क्यों मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि केक पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के टोकन मिल रहे हैं सिर्फ केक स्टेक करना है और टोकन मिलते रहते हैं और उसको प्राइस भी है लाइक इट्स गुड मनी अभी टी एल एम मैंने तीन चार हज़ार टी एल एम मिले थे पाँच सौ हज़ार मैंने खर्च भेज दिए अभी दो ढाई हज़ार टी एम है मेरे पास टी में भी वही है स्टेकिंग और ये एक्चुअली मोनोटोनस हो गया है सब जगह सेम ही चल रहा है टी में टी में गेम गेम में काफ़ी इनोवेशन आता है वो थंडर थंडर बर्ड या कुछ तो है थंडर बोल्ट वो लॉन्च होता है टी का प्राइस काय रॉकेट होगा लेकिन इशू यह है कि टी जैसे और सारे गेम वाले प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं लेकिन टी में बाइनेंस का प्लेनेट है तो मतलब कुछ है काम का बाइनेंस का प्लानट एक्चुअली गेम्स इसमें निकलेंगे मिशन मार्स बाइनेंस प्लेनेट पे ऐसा कुछ इसमें गेम्स निकलते रहते हैं और उसमें रिवॉर्ड वही सब ध्यान देना पड़ेगा मतलब अभी रोज हर हफ्ते दो हफ्ते में कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज होता है रिवॉर्ड बट्टे तो एक्चुअली करने का कुछ नहीं है सिर्फ टोकन लेके एक दो हफ्ते में कुछ अपडेट आया क्या मतलब कोई अपना रोज़ी रोटी चला सकता है सिर्फ टी एल एम पे अगर सेम प्रोजेक्ट ऐसा आगे जाता है तो कुछ नहीं करने का है सिर्फ सुबह उठने का टी एल एम पे क्या चल रहा है कुछ इवेंट विवेंट नहीं इवेंट हो गया गेम हो गया मिशन मार्स तो टो तो, वो जो बोल रहे हैं वो करने का डेट से इट टोकन मिलते रहेंगे बेचने का घर चलेगा वैसा ये एक्चुअली अभी सब कुछ ऑनलाइन करने का चल रहा है ये डीप स्टेट का और उसके लिए ये जो भूत आया है भूत वायरस उस एक झूठ पे मेडिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड और ये कुत्ते कमी ने जो झूठा साइंस का किताब लिखा है लोगों को एक्चुअली बोल नहीं सकते रिस्ट्रिक्शंस लगेला है जो जहर दिया जा रहा है लोगों को और नंबर्स ये वो सब झूठ ये लोग अपने आप अप, अपने को अभी हेल्थ एडवाइस देंगे और वो अपने को फॉलो करना ही पड़ेगा पुलिस आएगा मिलिट्री आएगा तो एक्चुअली अपन एक ट्रैप में फंस रहे हैं और ट्रैप में फंस रहे हैं इसलिए तो आ, मतलब ये, ये सब चल रहा है चलो अमीर बन रहे हैं अपन क्योंकि बिना कुछ करे पैसा मिल रहा है ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं स्टेक करने का <laughs> मतलब ऐसा कुछ पहाड़ बिहाड़ उठा नहीं रहे अपन सिर्फ ऐसा क्लिक कर रहे स्टेक हो रहा है पैसा बट रहा है पैसा अपने आप मिल रहा है और ज़्यादा रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि चलो कंसेंसस मॉडल और ये जो नया टाइप के अल्गोरिदम बन रहे पर ज़्यादातर लोग सिर्फ पैसे में इंटरेस्टेड है नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन कन्सेंसस मॉडल हाउ इट वर्कस सिर्फ भाव कितना बढ़ेगा उसमें इंटरेस्ट है एक्चुअली इनोवेशन काफ़ी है ये जो कंसेंसस मॉडल बन रहे है. और इसमें लूप होल्स क्या है और एंड हाउ देव पैस दिट या कैसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाया हुआ है तो कंसेंसस मॉडल काफ़ी सॉलिड है क्रिप्टोग्राफी काफ़ी सॉलिड है जो इनकी टेक्नोलॉजी है काफ़ी सॉलिड है एक्चुअली रिसर्च करना चाहिए क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज़ न्यू लेकिन ट्रेंड बदलते रहता है अभी क्रिप्टोग्राफी ब्लॉकचेन का ट्रेंड है ये रहेगा एक्चुअली फियाट करेंसी को होगा ये गाय भैंसों को डराने के लिए अरे क्रिप्टो बैन होने वाला है क्रिप्टो बैन होने वाला है अभी का जो टाइम है उसमें सर्वाइवल जो नेव है भोला भाला आदमी है उसका इम्पॉसिबल है क्योंकि इतना झूठ है इतना झूठ बोलते हैं ये लोग मेन तो सरकार ही इतना झूठ बोलता है ट्रस्टेड सोर्सेज से झूठ आ रहा है और ये न्यू पब्लिक इतना लोग बोल रहा है तुम अकेला इशारा है क्या तुम बाकी का सब लोग चुत्या है क्या तो ये नेव लोग दे आर नॉट गोइंग टू सरवाइव फिनिश लेकिन इशू ये है कि ये सब तबाही अपने सामने होने वाली है अपने आसपास होने वाली है तो उसका इम्पैक्ट अपने पे भी गिरेगा ऐसा नहीं कि सोसाइटी में पूरी सोसाइटी बर्बाद हो रही है और तुम अकेले आबाद होगे ऐसा नहीं होगा तुम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो सिर्फ आ, मतलब अपने आप को कैसा सेफ गार्ड करे उसका कुछ देख सकते हैं बट ओवरऑल ये जो पैसा कमाने का है करेंसी में इतना आसान हो गया है मेरे भाई ने बेकरी स्वैप पैनकेक स्वैप ए आर आर वो मैंने ही उसके डाले पैसे मतलब उस एक डॉलर पे उसके पैसे डाले तो लाइक like बीस पच्चीस लाख रुपए का प्रॉफिट विद इन डेढ़ दो दे, एक डेढ़ महीना दो महीना सो दैट इज इनसेन अमाउंट ऑफ मनी और आसानी से ऐसा भी नहीं कि कुछ पत्थर उठाना पड़ रहा है कुछ भी नहीं स्टेक करो पैसा आ गया <laughs> uh, फॉर्म भरो उनका पैसा आ गया कम्युनिटी ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो पैसा आ गया फ्री में एयर ड्रॉप मिल गया ऐसा चल रहा है